भदोही लोकसभा से कौन होगा सांसद, नाम आया सामने। जी हाँ, आप यह कार्यक्रम देखकर यह बात जान जाएंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में भदोही लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया सिंह। हम राजनीतिक विश्लेषण में आगे बढ़े इसके पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा चैनल ज्वाइन करें। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। हर लोकसभा में नेता लोग लखनऊ से दिल्ली तक का चक्कर लगा रहे हैं। कालीन नगरी भदोही लोकसभा की बात आज करते हैं। भदोही लोकसभा की 3 विधानसभाएं हैं, भदोही, ज्ञानपुर और औराई। भदोही जिले में यह सब पड़ता है। 2 विधानसभा प्रतापपुर और हंडिया प्रयागराज जिले में पड़ता है। लोकसभा सीट का नाम भदोही है। 2024 में कौन होगा भदोही का सांसद, किसे चुनेगी जनता अपना सांसद, इसका खुलासा हो गया है। एमटी टॉक शो ने 5 विधानसभा प्रतापपुर, हंडिया, ज्ञानपुर, औराई और भदोही में जाकर पता लगाया और नाम सामने आए जिनका खुलासा आगे होगा। भदोही की जनता क्या चाहती है इसके पहले पिछले लोकसभा चुनाव 2019 और बीते विधानसभा चुनाव 2022 के डेटा पर नजर डाल लेते हैं। बीते लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को भदोही से 5,10,029 वोट मिले थे। सपा और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी को 4,66,414 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को 25,604 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमेश बिंद सपा बसपा प्रत्याशी रंगनाथ मिश्रा से केवल 43,615 वोट से जीत गए थे। उस चुनाव में डॉक्टर रमेश बिंद का विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था, फिर भी भदोही की जनता ने विकास पुरुष कहे जाने वाले रंगनाथ मिश्रा को हरा दिया। भदोही एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां का कालीन विदेशों तक आयात होता था, आज भी होता है लेकिन मात्रा कम रह गई है। भदोही से श्यामधर मिश्रा जैसे नेता सांसद हुए जिनके कामों को लोग आज भी याद करते हैं। बिना किसी संकोच के लोगों ने पूर्व मिनिस्टर रंगनाथ मिश्रा को विकास पुरुष बताया। अब रंगनाथ मिश्रा बीजेपी में है और लोकसभा टिकट की दावेदारी में है, या जानते हुए कि बीजेपी के ही सांसद डॉक्टर रमेश बिंद पहले से ही सांसद हैं। एमटी टॉक शो ने पता लगाया तो बीजेपी से डॉक्टर रमेश बिंद के अलावा रंगनाथ मिश्रा, गोरखनाथ पांडे की मजबूत दावेदारी है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दलों में जाने पर विनोद बिंद, प्रशांत सिंह और सिद्धार्थ सिंह की भी चर्चा है। इंडिया गठबंधन से जहां सपा नेता निधि यादव, हाकिम लाल बिंद, सरिता बिंद, नरेंद्र बिंद, रमेश दुबे, जाहिद बैग के नाम की चर्चा है, वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता चुनावी तैयारी में हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा का प्रत्याशी आना तय है। एमडी टॉक शो ने स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों से बात की और पहला सवाल किया कि भदोही लोकसभा में मुद्दे क्या रहेंगे। आपको भी सुनना चाहिए कि विश्लेषकों ने क्या मुद्दे गिनाए, देखिए। किसी भी जिले के विकास के लिए वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का होना बहुत जरूरी होता है। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे विकास के मुख्य बिंदु हैं। भदोही जिले में स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। इसी यहाँ पर अगर किसी को गंभीर चोटें लग गई, गंभीर रूप से कोई बीमार हो गया तो सरकारी स्तर पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, तुरंत उसको वाराणसी या तो फिर मिर्जापुर या प्रयागराज रेफर कर दिया जाता है। एक जिला अस्पताल यहाँ पर बनना शुरू हुआ था करीब 2008-09 में, बसपा की सरकार थी उस समय, और भ्रष्टाचार के चलते वो काम रुक गया और जिला अस्पताल आज तक जो है उस पेंडिंग पड़ा हुआ है। काफ़ी उसके लिए लोगों ने संघर्ष भी किया लेकिन कोई उसका आगे जो है प्रयास नहीं कर पाए लोग। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, जैसे डिग्री कॉलेज है, एक मांग हो रही थी कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, लेकिन उस क्षेत्र में भी जो है यहाँ पर कोई प्रगति नहीं हो पाई। पॉलिटेक्निक कॉलेज एक था जो है बन रहा था बसपा सरकार में ही, वो भी शुरू हुआ था, लेकिन जो है वो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ऐसा नहीं है कि विकास के लिए यहाँ कार्य नहीं हुए, कार्य तो काफी शुरू हुए, लेकिन जो नेताओं की कमी थी कि अपनी बात वो मजबूती से जो है सदन में रख नहीं पाते थे, उच्च अधिकारी तक रख नहीं पाते थे, इसकी वजह से भदोही जिले का विकास जो है रुका हुआ है। तो ही लोकसभा का चुनाव का मुद्दा यहाँ हमेशा से जो मिर्जापुर और इससे जुड़ा हुआ जब था, तब भी यहाँ का मुद्दा हमेशा जो है लोकसभा का, खास तौर पे नेशनल ही हवा पे हुई। स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं कर पाए किसी भी चुनाव में। स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं,
आप देखिए यहाँ राई का चीनी मिल है, यहाँ दो दो ठो पीपा पुल का चल रहा है, उनका जो पक्का पुल का मांग चल रहा है, तमाम चीज़ है। लेकिन जो चुनाव आ जाता है तो जहाँ तक हमें लगता है कि अभी तक जो मेरा अनुभव है इधर 20-25 सालों का, इसमें कहीं भी स्थानीय मुद्दा बहुत हावी नहीं हो पाया। और स्थानीय मुद्दा न हावी होने के नाते जिसका हवा रहता है वो चुनाव जीत जाता है। आप समझे कि 96 में स्थानीय नेता, स्थानीय मुद्दा, सारे लोग लड़े, उसके बाद में फूलन देवी यहाँ चुनाव जीत गई 1996 में। तो यह तमाम चीज़ें ऐसे हैं कि जो हवा के रूप में चलते हैं। भदोही एक कालीन के नाम से जाने जाना वाला जनपद है, और प्रायः जब से जनपद बना वो दूसरे माफियाओं का शिकार रहा है। अभी कुछ लोगों को छोड़ करके देखा जाए तो भदोही लूटा गया। भदोही का मुख्य समस्या वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि का है। जब तक वहाँ स्थानीय प्रतिनिधि नहीं आएंगे तब तक वास्तविक भदोही का जो स्वरूप होना चाहिए वो भदोही को तो नहीं मिल पाएगा। रही बात वहाँ का मुख्य समस्या ये है कि अभी जो रोजगार के लिए जाना तो जाता है, करोड़ों राजस्व का दाता है, फिर भी लूटा जाता है, लेकिन वास्तविक रोजगार वहाँ अस्थायी रोजगार नहीं है। एमडी टॉक शो ने एनडीए के संभावित प्रत्याशियों के बारे में पूछा और यह भी जानने की कोशिश की कि क्या एनडीए वर्तमान प्रत्याशी को ही रिपीट करेगी। आप ही सुनिए लोगों ने क्या कहा। देखिए, भाजपा रिपीट करेगी नहीं करेगी तो ऊपर नेतृत्व का अपना एक मतलब फैसला, हम आपको निर्णय कर नहीं सकते इसमें। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ी बात है कि जाति समीकरण ऐसा हो जाता है कि सारे राजनीतिक दल उसी में उलझे हुए हैं। हाँ, कहने को तो ब्राह्मणों की संख्या यहाँ भदोही लोकसभा में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी अकेले रंगनाथ मिश्रा थे और सपा बसपा गठबंधन था और चुनाव हार गए। तो यहाँ जो जाति समीकरण है वह अपने मतलब कि विकास कार्य को अगर ध्यान देगा, मान लीजिए रंगनाथ मिश्रा चुनाव टिकट पा गए ब्राह्मण हैं भाजपा से, बाकी जो है दूसरे जाति का कोई पा गया सपा या बसपा से, तो ये जरूरी नहीं है कि वह जाति जो पहली बार भाजपा में दिया था फिर वो दे दे आपको भाजपा में। तो तमाम चीज़ें हैं, अब वो तो मतलब टिकट पाने के बाद ही मतलब कुछ क्लियर बन पाता है। चुनाव के समय देखे तमाम फंडा लागू हो जाते हैं, जातिवाद का, विकास का, उसका, क्षेत्र का, मतलब ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। और रही बात ये तीनों में, तो तीनों में क्या कोई हमें लग रहा है कि भाई जाति समीकरण तो ऊपर वाला देखेगा ही। हाँ, हम लोग उसमें अभी कुछ निर्णय क्या कर सकते हैं। रही बात वर्तमान जो होता है उसका तो शिकायत अपनी जगह रहता ही है। पिछली बार भी लोग कहे हम रमेश बिंदु को नहीं दे रहे हैं, हम मोदी को दे रहे हैं। तो जब जहाँ चुनाव जो है ऊपर नेतृत्व चल रहा है, जाति समीकरण चल रहा है, वहाँ हम आप इसमें क्या निर्णय कर सकते हैं। देखिए, भदोही में रमेश बिंद को विशेष तौर पर इसीलिए लाया गया था जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में कि भदोही का सीट निकले, जबकि वो बसपा में थे, मझवा विधायक रहे, वो यहाँ से लाए गए क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की वोट ओबीसी की वोट बहुत संख्या में है, इस वजह से उनको लाया गया था। दूसरी बात, उसके पहले जो है वीरेंद्र सिंह मस्त यहाँ पर जो है सांसद रहे, लेकिन 2019 में ही काफी उनका विरोध हुआ जिसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया। मौजूदा समय में पूर्व मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा जी, रविंद्र त्रिपाठी जो पूर्व विधायक भदोही के रहे वो भी लाइन में है, गोरखनाथ पांडे जी भी लाइन में है। लेकिन जो समीकरण यहाँ पे दिख रहा है कि किसी भी सवर्ण को यहाँ से जो है टिकट मिलने की संभावना नहीं है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत प्रत्याशी रमेश चंद बिंद ही है जो भदोही की सीट को निकाल सकते हैं। और अदर पार्टी में अगर देखा जाए तो निषाद पार्टी यहाँ से टिकट मांग रही है, एक ही सीट मांगी रही निषाद पार्टी। उनका कहना है कि हमारा एक विधायक है, हमें सांसद का यहीं पे सीट दे दिया जाए। अगर सांसद की सीट निषाद पार्टी को जाती है तो सबसे मजबूत दावेदार के रूप में जो नाम सामने आ रहा है वो कब सिटी हाउस का, जी ब्रिजेश सिंह के नाम से आप वाकिफ होंगे, जानते ही होंगे। तो ब्रिजेश सिंह के सुपुत्र जिस तरीके से सिद्धार्थ सिंह आजकल भदोही जिले में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में या शादी ब्याह के मौके पर जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं, लोगों के यहाँ आ जा रहे हैं, इससे ये लगता है कि कपसेठी हाउस सिद्धार्थ सिंह को यहाँ पे लॉन्च करने की तैयारी है। और चर्चा यही है कि अगर निषाद पार्टी को टिकट मिलता है
तो टिकट जो है सीधे कपसिटी हाउस जाएगा। वहाँ आयातित पैराशूट जो प्रत्याशियों का आगमन हुआ या वहाँ से चुनाव लड़ना हुआ, जीतना हुआ, जिससे भदोही का विकास रुका हुआ है। अब इसके पहले मैंने कह चुका हूँ, जब तक स्थानीय लोग वहाँ पर प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाएंगे, तब तक भदोही का वास्तविक विकास नहीं हो पाएगा। एक सवाल के जवाब में विश्लेषकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बारे में बताया कि कौन हो सकता है मजबूत। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो भी आपने नाम लिया है, जितने भी आपने नाम लिए हैं, हर नाम एक क्षेत्र में जो है चर्चित है, दूसरे क्षेत्र में उनका नाम जो है कोई जानता भी नहीं। जैसे जितने आपने नाम लिए हैं उसमें से दो चार नाम तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, रमेश दुबे जी की जो बात है, रमेश दुबे जी यहाँ पर जो है पूर्व सांसद भी रह चुके हैं बसपा के टिकट पर, और इनकी राजनीतिक शुरुआत जो है मुंबई में हुई है। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार में आप जो है मंत्री भी रहे हैं, और जो चर्चा है कि इंडिया गठबंधन से उनका नाम आगे आ रहा है, और इंडिया गठबंधन भी एक मजबूत चेहरा ढूंढ रही है। और उसी कड़ी में एक नाम और आप जोड़ लीजिए कि हमारे भदोही में जो मौजूदा विधायक हैं जाहिद बेग जी जो है ये यूसुफ बेग के जो पूर्व सांसद यहाँ के रहे और मजदूर नेता रहे उन्हीं के लड़के हैं, और जाहिद बेग भी इस लोकसभा टिकट के लिए लगे हुए हैं, और साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष और जो है चेयरमैन रहे भदोही के आरिफ सिद्दीकी भी टिकट के लिए लगे हुए हैं। ये दो नाम और भी आप ऐड कर लीजिए। फिलहाल अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो पांचों विधानसभा में मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर सके, ये सभी नाम एक क्षेत्र तक सीमित हैं। देखिए, अब मजबूत भाई जिन लोगों का नाम आप बता रहे हैं, ज्यादातर इसमें प्रयागराज से जुड़े लोग हैं, जो नाम आप बताएं उधर विधानसभा के हैं। इधर तीन विधानसभा में मिर्जापुर भदोही जब था तो रमेश दुबे जो है वो सांसद भी रह चुके हैं, तो जानने वाले चेहरे और नया चेहरा में अंतर हो जाता है। मैं शशांक त्रिपाठी को सबसे मजबूत कैंडिडेट मानता हूँ, इसलिए वो स्थानीय हैं और बेदाग हैं, युवा हैं, और इस आधार पर शशांक त्रिपाठी को यदि टिकट मिलता है तो वहाँ का वास्तविक विकास होगा और हो भी सकता है। अंत में एमटी टॉक शो के सवाल की 2024 के चुनाव में इंडिया या एनडीए का जवाब बहुत दिलचस्प रहा है, जिसे आपको सुनना चाहिए। हमें जो कई चुनाव हम लोकसभा का देखे हैं और चुनाव कराए हैं, एक से एक धुरंधर लड़े हैं चुनाव, लेकिन यहाँ का भदोही का चुनाव एक अपना अलग चुनाव होता है। यहाँ विधानसभा का कुछ दूसरा समीकरण रहता है और लोकसभा कुछ दूसरा समीकरण रहता है। अब रही बात यह कि कैंडिडेट वह जो आ जाए स्थानीय लेवल पर कितना प्रभावी है और क्षेत्रीय राष्ट्रीय लेवल पर उसके पार्टी का मतलब हवा क्या है। और जहाँ तक ये बात करेंगे आप 2024 के चुनाव का, तो पब्लिक में जो वातावरण है दो प्रकार का है। एक तो जो जातिगत समीकरण में चल रहे हैं वो अपना देखेंगे, दूसरा जो जातिगत समीकरण से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद हवा देते हैं उठ देते हैं वो सब, तो दो प्रकार के। अब जो मजबूत पड़ जाता है वो अपना जो है निकाल लेता है, लेकिन जो ज़्यादातर हमने देखा है भदोही में नेशनल हवा ही काम किया है, कारण के लोगों को लगता है ना कि भाई चुनाव जीत के जाएंगे, इनकी सरकार बनेगी तो कुछ होगा। और नए चेहरे पर भाई यहाँ तो हम देखे हैं कि पुराने चेहरों में अगर रिपीट करने वाला कोई हुआ तो वीरेंद्र सिंह मस्त हुए, एक दो बार तीन बार चार बार लड़े, जो दो बार तीन बार हुए भी यहाँ, बाकी तो रिपीट करने वाले में अभी कोई नहीं हो पाया जो कि सांसद बना हो फिर रिपीट किया, या तो टिकट कट गया या फिर जो है लड़ा तो हार गया। 2024 में तो एनडीए ही आएगी, अगर सीधे कहें तो एनडीए ही आएगी, क्योंकि अभी जो लहर चल रही है राम लहर उसका भी जो है असर पड़ेगा। दूसरे बात, जातीय समीकरण जो भाजपा के पास देखिए थिंक टैंक है वो इंडिया के पास नहीं है, ये तो मानेंगे सभी मानते हैं कि भाजपा का जो थिंक टैंक है वो इंडिया के पास नहीं है। और जो सर्वे हो रहा है सर्वे के आधार पर अगर देखा जाए तो भाजपा की सीट से कोई न कोई ओबीसी ही लड़ेगा, और ओबीसी लड़ेगा तो ओबीसी वोटर यहाँ पे मजबूत है और वो सीट जो है भाजपा के ही खाते में जाएगी। जो भी कंडीशन भदोही लोकसभा का जो टेम्परामेंट है, जो वहाँ के वोटर्स हैं, जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना
चल रही है एडमिशन पर, तो भारतीय जनता पार्टी का सीट है। अभी प्रत्याशी सामने नहीं आने की वजह से कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन भदोही लोकसभा की सामाजिक संरचना देखने पर पता चलता है भदोही में एनडीए और इंडिया दोनों पिछड़े समाज से प्रत्याशी दे सकते हैं, जबकि अकेले भदोही में लगभग कुल 9 लाख के करीब सर्वण समाज के वोटर हैं। क्या होगा तस्वीर और कौन होगा भदोही से सांसद, हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो।